अकबर स्वयं मनपढ़ था, लेकिन विद्वानों की संगत करता था। आम तौर पर मुगल दरबार में विद्वानों का सम्मान होता था। कई हिंदू ग्रंथों का पारसी में अनुवाद हुआ। उपनिषदों के इसी पारसी अनुवाद का लैटिन में अनुवाद हुआ। इसी लैटिन अनुवाद को जब शोपेनहावर ने पढ़ा तो चकित रह गए। उसे मानव की श्रेष्ठतम बुद्धि की उपज माना। उपनिषदों के अलावा उस श्रेष्ठतम बुद्धि ने वैदिक, बौद्ध और जैन परंपराओं में हजारों ग्रंथ लिखे थे। रेगिस्तान से आए अनपढ़ लुटेरों ने जला दिया। जरा विचार करें, सल्तनत काल में सैकड़ों विश्वविद्यालय, सैकड़ों पुस्तकालय और लाखों पुस्तकें जलाने के बाद भी लाखों ग्रंथ मुगल काल में मौजूद थे। आज भी अकेले संस्कृत में 12 लाख के करीब पांडुलिपियां तो केवल भारत सरकार के पास मौजूद है। भारत में सैकड़ों भाषाओं में साहित्य रचा जा रहा था। ये करोड़ों पुस्तकें असभ्य आक्रांताओं पर क्या प्रभाव डालती थी? निश्चय ही ये उनको जलन और हीनता से भर देती थी। उनके पास ले देकर एक किताब थी। यहाँ न केवल हजारों पुस्तकें थी, गांव-गांव में आध्यात्मिक ज्ञान को उपलब्ध मानव थे जो नई किताबें और नए पंथ चला रहे थे। नगर नगर में ऐसे पंडित और भिक्षु थे जो आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे। तुर्क तलवार के जोर से अल्लाह में विश्वास कराने आए थे और भारतीय तर्क के सामने अपने भगवान की भी नहीं सुनते थे। भारत की शास्त्रार्थ परंपरा इतनी समृद्ध थी कि ये किसी भी रिलीजन या दर्शन को बौना बना देती थी। इसका इतिहास जानबूझकर मिटाया गया है, क्योंकि मान्यताओं के महल में बैठे रिलीजनों के लिए ये खतरा है। ज्ञान से समृद्ध और स्वतंत्र देश के राजा बुद्धि और साहित्य के विलासी होते थे। मुश्किल से 2-3% ऐसे होंगे इतिहास में जो कि काहिल थे, विलासी थे, समझा ना, श्रीहीन थे। अन्यथा हमारी राज परंपरा में प्रत्येक राजा जो है वो शस्त्र और शास्त्र का धनी दिखाई पड़ता है, विद्या व्यसनी थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रत्येक साम्राज्य में महत्व राजा का उतना नहीं होता था जितना महत्व होता था उसके प्रधानामात्य का। हर एक राज्य की पहचान उसके प्रधानमंत्री से होती थी। प्रधानमंत्री कौन है? विक्रमादित्य और राजा भोज को इतिहास से मिटाया गया है, क्योंकि ये हिंदुओं के स्वाभिमान को बढ़ाता है।